ज्ञान तिमिरन्नस्य ज्ञानमयं शलाघय चक्षुर्विमीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः गदामुखीं ददाति स्वगदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं पुंसजीवं सार्वैवं सावधूतं तर्जनचयितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणवृताशीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिकाकान्तराधिकान्तनमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्रीद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौरभक्तगण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनः नाम्नः। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी विशारिणी विशेष शून्यवाद स्वामी। हरे कृष्ण, सभी भक्तों का स्वागत है। सो दिस सेशन वुड बी द लास्ट इन द सीरीज ऑन दिस डिटेल कोर्स इन गीता, बिकॉज हम वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड, लगभग आखिर तक पहुंच चुके हैं भगवद गीता की आखिर श्लोकों तक। सो वी आर जस्ट एट 4 to 5 श्लोक, 4-5 श्लोक है आज बचे, तो वो हम आज चर्चा करेंगे। आज श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय 73वां श्लोक आज वहां से शुरुआत करेंगे। अभी तक जो कुछ भी भगवान को बोलना था तो सारा कुछ भगवान ने बता दिया है। फिर उसके उपरांत भगवान उसके निष्कर्ष भी बता देते हैं। सर्वधर्मान प्रत्यजमाम एकम चरण प्रजा हम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा सुचरा। बिकॉज एनी स्पीकर उनकी स्ट्रक्चर, उनकी सेशन की स्ट्रक्चर हमेशा इस प्रकार से रहता है। इनिशियली वो एक ओवरव्यू देते हैं पूरा क्लास के अंतर्गत क्या क्या बताने वाले हैं, फिर उसके बाद डिटेल सेशन होता है, एंड क्लास खत्म होने के पहले दोबारा आपको आपकी टेक होम क्या है, एग्जैक्टली आपको क्या चीजें निष्कर्ष के रूप में समझ कर जानी चाहिए, तो ये बता देते हैं। तो इस प्रकार से हमेशा लोग कोई भी बेस्ट स्पीकर्स दे ऑर्गेनाइज द सेशन इन दिस वे, एंड भगवान ने गीता भी उसी प्रकार से ऑर्गेनाइज किया। भगवान ने शुरुआत में 2रा अध्याय में भगवान ने पूरा समरी दे दिया भगवद गीता के अंतर्गत, आपको क्या क्या सुनने के लिए मिलेगा, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या योग पद्धतियां हैं, तो सारा कुछ समरी दे दिया भगवान ने। अभी 18वां अध्याय की अंतिम जब अंतिम श्लोकों की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर वहां पर पूरा भगवद गीता से आपको अल्टीमेटली क्या समझ कर जाना चाहिए, तो ये भगवान ने लास्ट में बता दिया। सो तो भगवान भी तो बेस्ट स्पीकर है ना,
यस बेस्ट स्पीकर है उनका, इज द फर्स्ट मोटिवेशनल स्पीकर है। एंड उनकी मोटिवेशनल स्पीच के लिए सेमिनार हॉल बुक किया गया था कुरुक्षेत्र में, जिसका ना कोई छत है ना कोई स्क्रीन है, एंड वैसा बिल्कुल एसी हॉल में ठंडा बिठा कर तो नहीं कहा भगवान ने। द होल आर्मी वॉज ऑन लिटरली ऑन फायर, लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे, एंड बहुत ही टेंस सिचुएशन था। और वैसा सिचुएशन में अगर किसी को समझा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी के पास उस प्रकार के संतुलन नहीं होता है। सेमिनार हॉल के एटमोसफियर तो नहीं है कि ठीक है कोई बात नहीं बैठा बैठ जाओ मैं समझाता हूँ, और वैसा विकट परिस्थितियों में भगवान ने मोटिवेशन स्पीच दिया। शायद ही आज तक किसी और मोटिवेशन स्पीकर ने इस प्रकार के स्पीच दिए होंगे, ऐसा बैटल फील्ड में वार फील्ड में खुद ही डर जाएंगे। तो उस प्रकार की प्रेजेंटेशन रहा है भगवान का, एंड इसलिए अंतिम जगह पहुंचते भगवान ने पूरा भगवत गीता के जो सार है भगवान ने क्लियरली बता दिया। देखिए अभी तक जो कुछ भी मैंने कहा आप समझे या नहीं समझे कोई बात नहीं, उन सारा चीजों को आप साइड रखो। अल्टीमेट आपको करना क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग कर भी क्यों ना हो, यू विल हैव टू अडॉप्ट द अल्टीमेट रिलीजन। आपको पर धर्म को स्वीकार करनी चाहिए, ये पर धर्म क्या है, शरण व्रजा, अहम पाम सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि सचा माम एक शरण, भगवान की आश्रय लेना ही दिस इज सेड टू बी द अल्टीमेट रिलीजन। अल्टीमेट रिलीजन बिकॉज एनी अदर प्रैक्टिस इन एनी सॉर्ट ऑफ रिलीजन अल्टीमेटली इट इज सपोज टू टेक अ पर्सन टुवर्ड्स दिस फाइनल थिंग। कोई भी विधि विधान हमें शास्त्रों के अंतर्गत कोई भी धर्म के अंतर्गत जो बताया जाता है अल्टीमेटली वो विधान हमें इस निष्कर्ष की ओर ले जाना चाहिए। क्या निष्कर्ष है, मामेकम शरणम, भगवान ही एकमात्र मेरी आश्रय है, इस प्रकार की मान्यता के साथ भगवान को पूर्ण रूप में ना समर्पित कर देना। एंड इफ एट ऑल एनी रिलीजन इज हेल्पिंग यू, इफ एट ऑल एनी प्रैक्टिस इज हेल्पिंग यू मूव टुवर्ड्स दिस गोल, अगर कोई भी किसी भी प्रकार की रिलीजियस प्रैक्टिस आपको इस और जाने में आपको मदद कर रही है, देन फिर वो प्रामाणिक है, नहीं तो वो झूठा है। तभी भागवत में भी ये बात कहा जाता है, धर्म प्रोज्जित कई तवत्र परमो निर्मत्सरानां सतां वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। उसमें भी यही बताए जा रहे हैं, धर्म प्रोज्जित कई तब, ये जितने भी धर्म हैं वो कई तब धर्म हमें मतलब चीटिंग रिलीजन है, धोखा देने वाले धर्म है, जब वो धर्म हमें भगवान से प्रेम करना नहीं सिखाती है, भगवान को समर्पित करना नहीं सिखाती है, भगवान से प्रेम करना नहीं सिखाती है, देन वो तो झूठा धर्म है, वो तो झूठा धर्म है। बट भागवत किस प्रकार के धर्म सिखाती है, निगम कल्प तरोर गलितम सबई पुंसाम परो धर्म, मनुष्यों को परधर्म की परिचय कराने के लिए श्रीमद् भागवतम है, ये भगवत गीता है। तो उनकी पर धर्म क्या है एंड वो पर धर्म क्या है बताया जाता है, ही तो कि अप्रतिहता यही आत्मा सुप्रसिद्धति, भगवान से अनकंडीशनल और अनइंटरप्टेड लव करना, भगवान से बिना कोई हेतु का बिना कोई अवरोध का भगवान से प्रेम करना, यही परधर्म है। परधर्म और यही परधर्म सिखाता है सिखाती है, एंड उसी परधर्म को अपनाने के लिए भगवान कह रहे हैं, अगर उस परधर्म को अपनाने के लिए बाकी अन्य धर्मों में अगर किसी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़े, अगर जरूरत पड़े तो छोड़ना भी पड़े, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। आपको धर्म छोड़ने से दिक्कत यही है ना कि पाप लग जाएगी करके, नहीं प्रोजी मुझे अपना अगर मैं
पिताजी वाला धर्म छोड़ दूं तो मुझे पाप लग जाएगी, माता वाला धर्म छोड़ दूं तो पाप लगेगी, देश के प्रति धर्म छोड़ दूं तो पाप लग जाएगी, पत्नी वाला धर्म छोड़ दूं तो पाप लग जाएगी, पति वाला धर्म छोड़ दूं तो पाप लग जाएगी, बेटे वाला धर्म छोड़ दूं तो पाप लगेगा। बट भगवान कह रहे कोई बात नहीं, वो सारा मैं हूं ना संभाल लें। अहम ताम सर्व पापेभ्यो, मैं उस प्रकार अगर कोई भी पाप है तो मैं संभाल लूंगा, बट तुम्हें क्या करना है, माम एकम शरणम, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज विद दिस अल्टीमेट प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को आप कॉम्प्रोमाइज मत करो, भगवान को समर्पित करने वाले प्रिंसिपल को, भगवान को समर्पण करने वाले प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज मत करो। बाकी जीवन में जो भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े इस लक्ष्य को हासिल करना, वो तो कॉम्प्रोमाइज कर, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से भगवान ने इस गीता के निष्कर्ष दिया है। इन फिर भगवान अल्टीमेटली कहा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, हमेशा निरंतर अपने मन में मेरी स्मरण करो, मद्याजी, याजी मतलब पूजा, मद्याजी मेरी पूजा करो, मद भक्ता मेरी भक्ति करो, माम नमस्कुरु और मुझे नमस्कार। ये चार जो चार विषय जो भगवान करने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं, इन चारों को हमें अभ्यास करना चाहिए, चारों को करने का अभ्यास करना चाहिए। देन वी कैन से दैट वी आर ट्राइंग टू प्रैक्टिस गीता इन आवर लाइव्स, बिकॉज लोग पूछते हैं ठीक है आपने गीता पढ़ा तो है, बट आप उसको अपना जीवन में क्या उतार रहा है, क्या होता रहा है, दैट इज वॉट भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको जीवन में करना क्या है। गीता पढ़कर, गीता पढ़कर आप अपना जीवन में कौन सा ऐसा चीज जिसमें परिवर्तन लानी चाहिए, इसके विषय में भगवान कह रहे हैं कि यस आप अपने विचारों में मुझे लाओ, मन मन हाँ आप अपने विचारों में मुझे लाओ, मेरे संबंधित विचार करो, मद्या जी मेरी पूजा करो, जब तुझे खुद कुछ करना होता है वो मेरे लिए करो, मेरी पूजा करो, मद्या जी मद भक्ता, और अच्छा तुम्हें किसी से प्रेम करना होता है ना, प्रेम करना है तो मेरे से करो, मद और माम नमस्कार मेरे सामने सिर झुकाओ। तो इस प्रकार से भगवान के लिए बता रहे हैं। So this is, I mean, when we practice these principles, then we can say that we are actually practicing Gita in our life. तब हम कह सकते हैं हम भगवत गीता को अपना जीवन में हम उसके पालन अभ्यास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने इस गीता की निष्कर्ष के रूप में ये सारे शब्द भगवान ने कहा है। तो उसके उपरांत भगवान ने ये कहा है कि ये गीता का प्रचार करना कितना महत्वपूर्ण है, एंड इस गीता का संदेश का प्रचार करने वालों को क्या फायदा होगा, उनको क्या कमीशन मिलेगा। भगवान ने कहा है क्या मिलने वाले हैं कमीशन, उनको भगवत धाम में आश्रय उन्हें मिलेगा, He'll attain the shelter of the abode, Supreme Lord. And तो सुनने वालों को क्या मिलेगा फिर, बोलने वालों को तो बता दिया, सुनने वालों को उनका क्या होगा। सुनने वालों को भी भगवान ने डेफिनेटली, बोलने वालों को तो थोड़ा ज्यादा दिया भगवान ने, सुनने वालों को भी भगवान ने कहा है। कृष्ण तो भगवान ने क्लियरली बताया कि जो भी मेरी
संदेश को समझाते हैं भक्तों को, देन उनसे ज्यादा और कोई मेरे मेरे लिए प्रिय नहीं रहेंगे। नो बडी इज मच मोर डियरर देन दैट पर्सन हु एक्सप्लेन्स माई मैसेज टू अदर्स। एंड फिर भगवान कहते हैं, जो मेरी इस गीता के संदेश का अध्ययन करता है, अध्ययन करने से क्या होता है, भगवान कहते हैं कि अध्ययन करने से ही इज वर्शिपिंग मी विथ इंटेलिजेंस, अपना बुद्धि को मेरी सेवा में लगा रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, हाँ, हम अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए करके, तो हम जब अपने आप को भगवान की सेवा में लगाने की बात जब हम करते हैं, तो इसके अंतर्गत हम अपने इंद्रियों को भगवान की श्री विग्रह पूजा करने के दौरान अलग अलग प्रकार के क्रियाएं करने के माध्यम से अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। कानों को भगवान के विषय में सुनने में, भगवान के प्रसाद खाने खाने से मुंह को, भगवान के नाम लेने के द्वारा जिह्वा को, भगवान को अर्पण किया हुआ फूलों को सूंघने के द्वारा नासिका को, तो इस प्रकार से हम सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो उसी प्रकार से अपना बुद्धि को भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं, शास्त्रों की अध्ययन करके। जब गीता भागवत जैसा शास्त्रों का अध्ययन जब करते हैं, तद्वारा हम अपना बुद्धि को शुद्धिकरण कर रहे हैं, वी आर प्यूरिफाइंग आर इंटेलिजेंस। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बुद्धि को शुद्ध करना, बुद्धि को शुद्ध करना, बिकॉज अल्टीमेटली जब हमारा सिस्टम सही चलेगा, हायरार्की तो यही है ना, इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है। मन को आइडियली बुद्धि से कंसल्ट करके काम करना होता है, आइडियली। बट अभी हमारा तो उल्टा पुल्टा सिस्टम है, हमारे इंद्रिया बताती है मन को क्या करना है, और मन बुद्धि को डिक्टेट करती है तुम्हें ऐसा करना है। देन बुद्धि बेचारे चुपचाप सुन लेती है, ठीक है भैया, तुम जो कहोगे हम वही करेंगे, हम तो आपको समर्पित कर चुके हैं। बुद्धि ने मन मन को समर्पित कर दिया हुआ है कि मैं तुम्हारी आश्रय ले लिया हूँ, जो भी आप कहेंगे, जो भी मन में आएगी बात, तो हम वही करेंगे, बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। वही वाला जो शायद एडिडास का नाइक का उनका है ना, जस्ट डू इट, प्लीज डू नॉट थिंक बट जस्ट डू इट। आप अपना बुद्धि का प्रयोग मत करो, बस करते रहो। तो ये मन मन मानी करने वाले लोगों की यही सिद्धांत है, जस्ट डू, उनकी कैप्शन। तो वैसा ये मन अपने आप से ही कार्य, मन कैसे वो बुद्धि के ऊपर इतना कंट्रोल कैसे पाया है, बिकॉज हमारा बुद्धि में उस प्रकार की ताकत नहीं है, ताकत नहीं है बुद्धि में। एंड उस बुद्धि को ताकतवान कैसे बनाएंगे, शास्त्रों का अध्ययन कर, शास्त्रों के अध्ययन करने के माध्यम से बुद्धि को वो ताकत मिलता है, क्योंकि बुद्धि शुद्ध हो जाता है। जो भी बीमारी की वजह से वो बेचारे कमजोर हो पड़ा है, वो बीमारी ठीक हो जाता है, ठीक होने पे वो स्वयं तंदुरुस्त बन जाता है। देन फिर वो मन को नियंत्रण करने की सामर्थ्य में आ जाता है। इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आप अपना बुद्धि को मेरे सेवा में लगाओ, कैसे, मेरी संदेश की अध्ययन करके, स्टडीइंग द मैसेज ऑफ गीता, वन कैन स्ट्रेंथन वंस इंटेलिजेंस, वन कैन प्यूरिफाई वंस इंटेलिजेंस एंड देयर वे स्ट्रेंथन, है ना। तो इस प्रकार से एंड फिर फाइनली जो सुनते हैं, फिर उनके विषय में क्या कहा गया, बट समस्या है कि ये सभी के विषय में नहीं कहा जा रहा है। हर कोई व्यक्ति जो सुन रहे हैं, उन सभी लोगों के विषय में नहीं कहा जा रहा है, केवल उन्हीं ही श्रोताओं के विषय में कहा जा रहा है, जिन जो लोग श्रद्धा के साथ सुनते हैं। जो लोग श्रद्धा के साथ सुनते हैं,
उनके विषय में कहा जा रहा है, सभी के विषय में नहीं। तो आप देख लेना कि श्रद्धा है या नहीं। अगर श्रद्धा है तो फिर भगवान कहते हैं कि श्रद्धा भी होना चाहिए। दूसरा एक और कंडीशन भगवान लगा दिए थे, इसलिए अनकंडीशनल ऑफर नहीं है, कंडीशन अप्लाई। स्टार लगा देते हैं ना कोई भी प्रोडक्ट के साथ, स्टार लगा कर नीचे लिख देते कंडीशन अप्लाई। तो भगवान ने भी कहा कंडीशन अप्लाई, क्या क्या कंडीशन है। एक तो सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए, एंड दूसरा भगवान के प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ये दोनों, तभी जाकर ये बातें उनका अप्लाई। वो क्या क्या है, तो इस प्रकार के जो श्रद्धालु भगवान से ईर्ष्या रहित होकर जब गीता के संदेश का श्रवण करता है, तो उसका ये फल भगवान निश्चित कर रहे हैं। एक तो ही विल बी फ्री फ्रॉम सिंफुल रिएक्शंस, एंड सोपि मुक्ता शुभालोकान प्राप्नुयात। जहाँ फिर वैसा वैसा प्लैनेट्स को लोकों को प्राप्त करते हैं जहां पर पुण्यवान लोग जाते हैं। पुण्यवान लोग जहां जाते हैं वैसा लोकों को प्राप्त करते हैं। एक तो पापों से मुक्त होते हैं, एंड दूसरा पुण्यवान आत्माएं जिस लोक को प्राप्त करते हैं उस उन लोगों को ये लोग भी प्राप्त करते हैं जो श्रवण करते हैं श्रद्धा के साथ और ईर्ष्या से रहित होकर। तो वैसे तो ये सारे बातें हम पिछले बार बता ही दिए। फिर फाइनली भगवान अर्जुन से यही प्रश्न पूछकर भगवान ने अपने वक्तव्य को समाप्त कर दिया है। क्या पूछकर, अर्जुन अभी तक मैंने तो बहुत कुछ बोला है, बट क्या आपने ध्यान पूर्वक सुना या नहीं। कई बार वक्ताओं की समस्या होता है, बेचारे थोड़ा सा डिस्करेज हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि ये श्रोता ये ध्यान पूर्वक सुन नहीं रहे। तो भगवान भी पूछ रहे हैं कि अर्जुन आपने ध्यान पूर्वक सुना या नहीं, तो ये कंसर्न रहता है ना, क्योंकि इतना प्रयास करके मेहनत करके वक्ता बोलता है बट सामने वाला व्यक्ति उसको उसकी महत्व समझे बिना अगर उसको भी ध्यान उसको ग्रांटेड ले ले, उनके सर्विसेज को उनकी सेवाओं को ग्रांटेड ले ले और इनएटेंटिव रहे, देन दुख होता है, दुख होता है। तो वही भगवान इससे पूछ रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन, वैसे भगवान अपने दुख से तो कोई मतलब का नहीं है, बल्कि भगवान का ज्यादा मतलब है अर्जुन को जो भी ज्ञान भगवान ने दिया है उसका पूरा फायदा अर्जुन को प्राप्त हो रही है नहीं। क्योंकि अर्जुन अगर ध्यान रूप सुना है तो निश्चित अर्जुन को वो ज्ञान की लाभ प्राप्त होगा ही। फिर भगवान पूछते क्या अर्जुन आपने ध्यान रूप सुना या नहीं, और ये सारा कुछ सुनकर आपकी अज्ञान और भ्रम खत्म हो गया या नहीं। अज्ञान और भ्रम ये खत्म हो गया नहीं, अगर आपने असलियत में ध्यान रूप सुना है तो ये निश्चित होना चाहिए। तुम्हारी अज्ञान अज्ञान और भ्रम ये दोनों इल्यूजन ये दोनों खत्म हो जाना चाहिए, तभी कहा जा सकता है कि आपने ध्यान रूप सुना है। सो दिस इज हाउ दैट इज बाय। कई बार लोग दे टेंड टू ऑफर सम सर्विस टू द स्पिरिचुअल मास्टर, गुरुजनों को वैष्णवों का किसी न किसी प्रकार का सेवा करने का प्रयास करते हैं, बट असलियत में गुरु और वैष्णवों की सबसे बड़ी सेवा यही है
उनके प्रति की गई सबसे बड़ी सेवा ना उनकी पैर दोना है, ना उनको कुछ बहुत बड़ा उपहार देने का। रैदर अ साधु इज सिंपली सैटिस्फाइड व्हेन समबडी हियर्स फ्रॉम हिम अटेंटिवली। अगर कोई ध्यान पूर्वक सुनते हैं उसी को ही सबसे बड़ी सेवा के रूप में स्वीकार करके वो संतुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि साधु मतलब वो व्यक्ति है जिनकी कोई अपेक्षा ही नहीं है इस दुनिया से, तभी तो वो साधु बने या असलियत में साधु माना जाएगा। उनके एकमात्र यही अपेक्षा है इस दुनिया से कि दे अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ गॉड, भगवान के संदेश को समझे और अपना जीवन सार्थक बनाए। सो सिंपली ही वॉन्ट टू बेनिफिट अदर्स। इफ यू सी समबडी बींग बेनिफिटेड बाई द मैसेज ऑफ द लॉर्ड, दैट गिव्स हिम अटमोस्ट सेटिस्फेक्शन। अत्यंत संतुष्टि की आस्वादन साधु करता है जब वो देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान के संदेश को ग्रहण करके कैसे कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ गया। इसको देखकर साधु बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से सो द ग्रेटेस्ट सर्विस वन कैन एवर ऑफर टू अ वैष्णवा इज एस्पेशली टू हियर कृष्ण कथा फ्रॉम हिम। सबसे महत्वपूर्ण सेवा अगर किसी वैष्णव का की जाए वो यही है उनसे ध्यान पूर्वक श्रवण करना। तो उनका काम ही ये है लोगों को भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनाना, बताना, समझाना। तो जब इन उनकी जो काम में अगर हम मदद करें ध्यान पूर्वक श्रवण करने से, देन फिर और क्या ही चाहिए, और क्या चाहिए। एंड खास करके अभी का जो वर्चुअल भागवत कथाओं में कई प्रकार की व्यवधान तो है ही, जो सब कुछ वर्चुअल हो चुका है, इंटरनेट की जमाना है, वक्ता कही, श्रोता कही, सभी मिलते हैं यहाँ जूम पे, फिर यहाँ पर चर्चा होती है। पहले तो इस प्रकार से तो नहीं था ना, पहले तो नहीं शरण्य सुप्रताल, तो वैसा वैसा धाम में मिलते थे, फिर वहां पर चर्चा हुआ करता था भागवत की। एंड वैसे वर्चुअल इसमें डेफिनेटली उसकी इम्पैक्ट थोड़ा सा कम होता ही है, बट उसको लोग थोड़ा सा और टेक इट इजी लेकर उसको और कम कर देते हैं। जस्ट लाइक जैसे मैंने इतने सारे हम इतने सालों से जो ऑनलाइन सेशंस वगैरह चला रहे हैं, इससे तो हमें कई सारे सीख, अनुभूति इत्यादि इत्यादि मिला ही है। इसमें हमने देखा है कि जैसा मतलब व्यक्ति का किस किस प्रकार से पतन होता है वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। व्यक्ति शुरुआत में जब उन्हें अच्छा लगता है, सुनने का मन होता है, बिल्कुल ध्यान पूर्वक वीडियो ऑन करके बैठ कर सुने, एंड फिर नोटबुकों को पकड़ कर फिर वो लिखते हुए फिर नोट्स बनाते हुए ध्यान से बिल्कुल कमरा की दरवाजा वगैरह बंद करके एक कोने पे बैठ कर सुनता है। एंड फिर सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि नोटबुक गायब हो जाता है, दरवाजा दरवाजा खुल जाता है। ये सेकेंड स्टेज है, वीडियो ऑन सेकेंड स्टेज में ये होता है। तो फिर उस समय थोड़ा ध्यान इधर उधर जाता है, बिकॉज दरवाजा खुला हुआ है तो कोई भी आता जाता है, एंड
एंड नोट्स नहीं हैं, तो फिर कभी ध्यान से सुनेंगी कभी नहीं सुनेंगी। जितने बातें दिमाग में गई तो गई, तो बाहर गई तो बाहर गई, नोटबुक में नहीं गई। वैसे भी नोट्स ही नहीं रखा तो नोटबुक में जाएगा ही नहीं, और दिमाग में कितने ही नोट्स बनाएंगे। वो तो हमारा वैसा ही फोटोशॉपिक मेमोरी है कि तो तुरंत ही का फ्लैश मेमोरी की तरह तुरंत कर एरेज हो जाता है, इसलिए हम ज्यादा दिन तक हम रखते नहीं है किसी भी बात को। अगर कोई गाली दे तो फिर जीवन भर रखेंगे, जब भगवद गीता की बात सुना है तो वो तो अगले क्षण ही भूल जाते हैं। तो फिर दूसरा स्टेज में ये प्रभाव पड़ता है, एंड फिर उसके बाद तीसरे स्तर पे वो वीडियो बंद कर दिया, वीडियो बंद कर दिया, बट कानों में वो ईयरफोन तो लगा हुआ है, बैठा रहेगा। अभी तीसरा स्टेज में तो अभी बैठा ही है, बैठ कर कानों में लगाएगा, बिकॉज उनको लगता है कि मैं कभी अपना पोस्चर बारंबार चेंज करता रहता हूँ, देन फिर वीडियो ऑन करेंगे तो पोस्चर चेंज करना तो संभव नहीं हो पाएगी, तो इसलिए उन्होंने पोस्चर चेंज करने के नाम पर उन्होंने बंद कर दिया। देन फिर तो हिलने लगा, ढुलने लगा। देन फिर चौथी स्टेज में तो वो उन्होंने सोचा कि अभी कितना देर तक हम बैठे रहेंगे, थोड़ा घूम भी लेते हैं। वैसे भी कानों में ही तो लगा लिया ना हम, कानों में लगा लिया तो कानों में लगा कर मोबाइल लेकर घूमता रहेगा, घूमते हुए सुन रहे। एंड पांचवा स्तर में क्या होता है, फिर उनको लगता है हम जब घूम ही रहे हैं और हाथ वैसे भी खाली तो है, कुछ काम कर भी लेते, तो फिर काम करते हुए सुनने लगेगा, काम करते हुए सुनने लगेगा। तो फिर ये पांचवा स्टेज है, एंड छठवा स्टेज में तो वो मुक्त हो जाता है, वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है। छठवा स्टेज में वो मोबाइल को ही साइड पे रख देता है, जितना उनको सुनाई दिया दिया, बिकॉज कानों में लगाने पे तो वो भी डिस्टरबेंस हो जाता है। मोबाइल को साइड पे रख दिया, वो उस लाउड स्पीकर ऑन करके छोड़ देता है, एंड वो बिचारे वो बकता, वो चिल्ला रहे अपना। एंड ये हमारा श्रोता जो है वो श्रद्धालु वाला और ईर्ष्या रहित वाला श्रोता, ये तो अपने काम में लगे हुए हैं। तो ये छठवां स्तर है जो मुक्ति की स्तर है। तो इस प्रकार से ये ग्रेजुअल प्रमोशन होता है वर्चुअल क्लासेस में, तो वैसा कई लोग मुक्त हो चुके हैं। इसलिए 200 की जगह आज 150 लोग हैं, तो 50 लोगों को मुक्ति मिल चुका है। उस प्रकार से ये मुक्ति का रास्ता है ये वर्चुअल ये भी भागवत। ठीक है, नमस्ते। सो नेक्स्ट, अभी अर्जुन और संजय दोनों अपने अपने साक्षात्कार, ये भगवदगीता का, ये भगवदगीता का साक्षात्कार क्या है वो बता रहे हैं। अर्जुन, बिकॉज भगवान अर्जुन से प्रश्न पूछा ना, अर्जुन क्या आपने ध्यान से सुना या नहीं, और ये आपकी अज्ञान और मोह नष्ट हुआ या नहीं, उसके जवाब अर्जुन दे रहे हैं। अभी अभी इसके बाद अभी भगवान को कोई शब्द नहीं है, भगवान को जो भी कहना था वो 72 श्लोका तक ही भगवान के बाद भगवान ने समाप्त कर दिया हुआ है। अर्जुन वाच नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तो प्रसादान मया च्युता स्थितोऽस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनं तवा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्वत प्रणाम। कृष्ण, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई, अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ।
अगली बार भागवत एग्जाम में तो व्हाट आर द सिक्स स्टेजेस ऑफ वर्चुअल लिबरेशन करके प्रश्न आएगी, व्हाट आर द सिक्स स्टेजेस ऑफ वर्चुअल लिबरेशन एंड वेयर डू यू स्टैंड एंड आप कहाँ हो इस सिक्स स्टेज वर्चुअल लिबरेशन की प्रोग्रेस में, वेयर डू यू स्टैंड, आप कहाँ स्टैंड करते हो, ये प्रश्न पूछा जाएगी। एंड जिसने भी बहुत ध्यान पूर्वक गीता का श्रवण किया है उनको एग्जैक्टली उसी प्रकार के साक्षात्कार प्राप्त होगा जिस प्रकार के साक्षात्कार अर्जुन को प्राप्त हो रही है। एंड इफ एट ऑल वन हैज कम टू दिस रियलाइजेशन ओनली देन इट कैन बी सेड दैट ही हैज हर्ड गीता अटेंटिवली एंड ही हैज अंडरस्टूड गीता, गीता से सीन्स, गीता के सार को उसने समझा है, गीता को ध्यान पूर्वक श्रवण किया है, ये तभी कहा जा सकता है जिस प्रकार के निष्कर्ष और साक्षात्कार तक अर्जुन पहुंच पाया, अगर उस साक्षात्कार तक हम पहुंच पाए तो अर्जुन के क्या साक्षात कर रहा है, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मेरी मोह का क्या हुआ, वो नष्ट हो चुका है। एंड फिर ज्ञान, अज्ञान का क्या हुआ, स्मृति लब्धा, मुझे अपने स्मृति वापस मिल चुका है, मुझे अपना स्मृति वापस मिल चुका है। एंड ये जितने भी जो कुछ भी मोह मुझे भ्रमित कर रहा था वो सारा मोह भी नष्ट हो चुका है। एंड ये सारा कुछ किस 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 वजह से हो पाया, त्वत्प्रसादात, हे भगवान आपकी कृपा के कारण ये सारा कुछ संभव हो पाया, आपकी कृपा से ही मेरी मोह नष्ट हो चुका है और मुझे अपनी स्मृति वापस मिल चुकी है, मैं अच्युत स्थितोस्मि गत संदेहा। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं स्थित अस्मि गत संदेहा, मेरे जितने भी संदेह है संशय है सारे नष्ट हो चुका है, कोई अज्ञान नहीं रहा अभी, सारा जितने भी संदेश है जीवन के अंतर्गत जितने भी प्रश्न हमें सताती है उन सारा प्रश्नों का उत्तर गीता की श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। अगर गीता की संदेश की श्रवण करने से अगर आपके अंदर सारे संदेहों का समापन हो रही है तभी कहा जा सकता है आपने ध्यान पूर्वक गीता का श्रवण एक प्रामाणिक वक्ता से ध्यान पूर्वक आपने सुना है बिना ईर्ष्या, जैसा कि अर्जुन में सारा संदेह खत्म हो चुका है। एंड कोई भी कह सकता है कि मैं, मान लीजिए कि हम में से भी कोई कह देगा कि प्रभु जी मेरा भी तो मोह नष्ट हो चुका है, मेरे भी सारा ज्ञान खत्म हो चुका है, बट कैसे वेरीफाई करूंगा, ये तो कोई भी कह देगा। अगर मैं अभी पूछूं तो कि आप में से किन किन लोगों को साक्षात्कार मिला हो, कई लोग हाथ खड़ा कर देंगे, कोई कोई साक्षात्कार आपने बता देंगे प्रभु जी हमारा पूरा ज्ञान सार नष्ट हो चुका है, हमारा मोह खत्म हो चुका है करके, बट मैन व्हाट इज द बेसिस, मैं कैसे वेरीफाई करूं। तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं जिस व्यक्ति की मोह असलियत में नष्ट हुआ है, जिनके हृदय में सारे संदेह खत्म हो चुका है, हाउ डज ही एक्ट, भगवान कहते हैं करिष्ये वचनम तवा, जिनकी मोह नष्ट हो चुका है जिनके अज्ञान खत्म हो चुका है उनका एकमात्र आश्रय रहेगा भगवान की आज्ञा, ही विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एज इट इज, भगवान की आज्ञा का पालन एज इट इज करेगा। तो ये लक्षण है असलियत में मोह नष्ट होने का और अज्ञान खत्म होने का, ये लक्षण अगर कोई इस प्रकार से कर रहे हैं तो तब जाकर माना जा सकता है कि सही में इनकी मोह नष्ट हो चुका है। अगर भगवान की आज्ञा का पालन ही नहीं कर पा रहे हैं,
देन फिर कहाँ मोह नष्ट हुआ है, बल्कि वो दूसरा मोह में फंस रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो मोह खत्म हो चुका है करके मोह में। वो ऐसा भ्रमित हो रहे हैं कि उनका भ्रम खत्म हो गया करके भ्रमित हो जा रहा है, ये भी एक भ्रम है। तुम्हारे मेरे भ्रम खत्म हो गया करके ये भ्रम, तो उस भ्रम में फंस जा रहे। तो इसलिए भगवान जो भी कहते हैं काफी प्रैक्टिकली बात करते हैं, अब प्रैक्टिकली बात करते हैं, सो ये हवा में बातें नहीं है। मेरे मोह नष्ट हो चुका है, मुझे मेरे ज्ञान खत्म हो चुका है, अब वैसा नहीं कह सकते, अब करके दिखाओ। तो यही अर्जुन के अंदर इस प्रकार के साक्षात्कार हुआ। एंड अभी के समय पर जिनके अंदर इस प्रकार के निश्चय आ रहे हैं, एट एनी कॉस्ट आई शुड अबाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर एंड कृष्णा, किसी भी कीमत पर मुझे अपने गुरु और कृष्ण की आज्ञा का पालन करनी चाहिए, इस प्रकार के जो दृढ़ संकल्प जिनके अंदर आ रहे हैं, जिस हद तक इस प्रकार के संकल्प आ रहे हैं उस हद तक उनके अज्ञान और मोह नष्ट हुआ है। जिस डिग्री तक उनके अंदर इस प्रकार के संकल्प आ रहे हैं तो उस डिग्री तक उनके अज्ञान और मोह नष्ट खत्म हुआ है। इसलिए इसके आधार पर हम समझ सकते हैं टू वॉट एक्सटेंट वी आर सरेंडर्ड, किस हद तक हम समर्पित है, इसके आधार पर समझ सकते। इसलिए भक्ति ये केवल भावनात्मक चीज नहीं, इट इज नॉट सिंपली इमोशंस। वो केवल भावनात्मक चीज नहीं है भक्ति। दैट्स व्हाट प्रभुपाद कहते हैं, भक्ति को ट्रांसलेट करते हैं डिवोशनल सर्विस, कहते हैं ये केवल डिवोशन नहीं है बल्कि इट इज द स्टेट ऑफ सर्विस विच इज फिल्ड विद डिवोशन। भक्ति इट इज नॉट अ पैसिव इमोशन बट इट इज द स्टेट ऑफ योर सर्विस। आपकी सेवा का जो स्थिति है वो निर्धारित करेगी आपकी भक्ति। एंड सेवा का क्या स्थिति है, भक्ति मय भावना के साथ भगवान की सेवा कर, विद अ हार्ट फिल्ड विद डिवोशन वी सर्व द लॉर्ड। तो इस प्रकार से, तो इसलिए जो करिष्ये वचनम तरवा, दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। देखिए भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करने की वजह से तो हम यहाँ पर है ना। जैसे कि जो गवर्नमेंट की बातें नहीं सुनते हैं वही तो जेल जाता है, वही तो जेल जाता है। वो जैसा गवर्नमेंट की बात सुनने लगेगा वो फिर वापस जेल से बाहर आ गया। एंड जब तक वो सुनेगा नहीं तब तक उनको जेल के अंदर ही रहना, जब तक वो गवर्नमेंट की बात नहीं सुनेगा तब तक उन्हें जेल के अंदर ही रहना होगा। उसी प्रकार से हम भी एक प्रकार की कारागृह में ही हैं, हम भी इस कारागृह में ही तब तक रहना होगा जब तक हम भगवान की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। एंड जैसा भगवान की बात हम सुनने लगेंगे उसके अनुसार कार्य करने लगेंगे देन फिर हमें यहाँ रहने का भी क्या जरूरत पड़ी है, भगवान के पास चले जाए। तो ऐसा समझ सकते हैं। सो इन वन सेंस वी आर काइंड ऑफ टाइड डाउन टू दिस मटेरियल वर्ल्ड बाय आवर मटेरियल डिजायर्स, हमारी भौतिक आशाएं हैं वे हमें इस भौतिक दुनिया के साथ बांध कर रख देते हैं। इसलिए एक भजन में हमारे आचार्य गाते हैं, अति तुच्छ भोग आशे बंदी होई माया पाशे, अति तुच्छा अत्यंत तुच्छ है ये भौतिक आशा, भौतिक प्रकार की मेटीरियल डिजायर, ये अच्छी अति तुच्छ मेटीरियल डिजायर है।
बंदी होय माया पाश, ये हमें इस माया जो है इस भौतिक दुनिया में बांध कर रख दे, इट इज टाइंग डाउन अस टू दिस मटेरियल। इसलिए इन्हीं बंधनों को पकड़ कर हम बैठे। एंड मोह मतलब क्या होता है प्रभुपाद इसमें तात्पर्य बताते हैं। मोह रिफर्स टू, मोह का मतलब ये होता है, इट इज ऑपोजिट टू नॉलेज, ज्ञान के विपरीत। तो ये क्या होता है कि हम भगवान के सेवक है ये ज्ञान, और इस प्रकार से अपने आप को भगवान के सेवक के रूप में नहीं मानना, यह ज्ञान है जिसी को मोह कहा जाता है। अगर मैं अपने आप को भगवान के सेवक के सिवा अपने आप को इस शरीर से ही पहचान करते हुए मैं सोचूं कि मैं एक स्त्री हूं, मैं एक पुरुष हूं, मैं पति हूं, पिता हूं, बेटा हूं, इस कंपनी का मालिक हूं, मैं बहुत बड़ा पीएचडी हूं, तो ये सारे पहचान क्या है, इसी को मोह कहा जाता है। इस प्रकार से अपने आप को गलत रूप से शरीर के उपाधियों से पहचानना, इसको मोह कहा जाता है। बिकॉज ये सारा डिग्री विग्री धन संपत्ति स्त्री पुरुष की भेद इत्यादि इत्यादि, ये सारा कुछ इस शरीर से ही तो संबंधित है, शरीर के साथ ही आता है, शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। शरीर के साथ ये सारे उपाधियां आई हैं और इस शरीर के साथ ही खत्म हो जाती है। बट इस टेम्पररी उपाधियों को हम जब परमानेंट मान के शाश्वत मानकर अपना पहचान अगर इन टेम्पररी उपाधियों के साथ जब हम करते हैं, इसको ही मोह कहा जाता है, इसको मोह कहा जाता है। हमारा परमानेंट उपाधि क्या है, मान लो कि आप जन्म लेने के 1 घंटे पहले आप स्त्री थे या पुरुष है? कोई मतलब ही नहीं है ना, ये शरीर मिलने के बाद तो ये स्त्री पुरुष वाला भेद शुरू हुआ, उसके पहले तो कुछ है ही नहीं था। तो इस प्रकार से ये सारा टेम्पररी तत्व उपाधियां है, इसलिए इन उपाधियों के साथ हम अपने आप को नहीं पहचानना है। हम हमारी एकमात्र यही पहचान है जीवात्मा का, जीवेर स्वरूपो होय कृष्णेर नित्य दास, यही जीवात्मा का असली पहचान है, मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवक, आई एम द सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण, बस यही असली उपाधि है। तो आप चाहे किसी भी योनि में हो, किसी प्रकार शरीर में, कहीं पर भी, कभी भी, हमेशा, कितने जन्मों के बाद भी, कितने जन्मों के पहले भी, इस जन्म में भी, हमेशा के लिए यही शाश्वत उपाधि है, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की सेवा। तो इसलिए हम अपना पहचान इस उपाधि के साथ करना होगा, तब कहा जा सकता है कि हमारा मोह नष्ट हुआ है। क्या सेवक खाली बैठा रहेगा? अगर आपके घर पे काम वाले अगर 5 मिनट खाली बैठ जाए, तुरंत डांटेंगे, इतना पेमेंट तुझे दे रहे हैं, ठीक प्रकार साफ आप नहीं करते हो, झाड़ू को इधर उधर मार दिया फिर निकल गया, कितना आलसी हो,
क्या क्या कहते हैं अगर 5 मिनट भी बैठ गया? तो अगर हम अपने आप को कृष्ण के सेवक मानते हैं तो फिर सोच लेना कि फिर कितना सेवा करनी चाहिए, है ना? तो फिर कितना सेवा करनी है। तो इस प्रकार से सेवक का मतलब भी तभी माना जाता है कि जब व्यक्ति हमेशा भगवान की सेवा में व्यस्त है, वन इज ऑक्यूपाइड विथ सर्विस टू कृष्णा ऑल डे लॉन्ग, देन कहा जा सकता है ये कृष्ण की सेवा। संजय उवाच, अभी अर्जुन भगवान को अपने साक्षात्कार सुना दिया हुआ है, अभी संजय बताने वाले हैं। अर्जुन का भी वक्तव्य अभी समाप्त हो गया, एक एक कैरेक्टर जा रहे हैं। अभी संजय जी है लास्ट कैरेक्टर। संजय उवाच इति अहम् वासुदेवस्य पात्रस्य च महात्मनः संवादमिमम् अश्रौषम् अद्भुतम् रोमहर्षणम्। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की व्रता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। संजय, ये बातें संजय किनको सुना रहे थे? धृतराष्ट्र को सुना रहे थे ना। तो धृतराष्ट्र से ही अपने साक्षात्कार संजय शेयर कर रहे हैं। उनको ये सारा भगवद्गीता की ज्ञान सुनकर उनको कैसे लगा वो अपनी अनुभूति धृतराष्ट्र से शेयर कर रहे हैं। कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि इन दो महात्माएं कृष्ण और अर्जुन के बीच की जो संवाद है ये सुनकर मुझे बहुत अद्भुत लग रहे हैं, एंड मेरा शरीर पे रोमांच हो उठता है। जब बहुत आश्चर्यजनक चीज हम सडनली ऑल ऑफ ए सडन जब हम सुनते हैं ना, तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इट इज काइंड ऑफ द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अ शॉक और अ सरप्राइज। जब सही में बहुत बड़ा शॉक लगता है देन फिर रोंगटे खड़े हो जाते। जब संजय ने इस प्रकार की अद्भुत संवाद सुना कृष्ण और अर्जुन का, दो ही वाज सो मच ओवरवेलम्ड विद हैप्पीनेस एंड जॉय कि उनके रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा अद्भुत संवाद मैंने कहीं नहीं सुना, सही में बहुत ही बहुत अद्भुत संवाद जो इन दोनों के बीच चली है। एंड इतना अद्भुत संवाद है तभी तो 5,000 साल के बाद भी आज हम रूम पे चर्चा कर रहे हैं। इतना अद्भुत संवाद है तभी तो इतने सारे महात्माएं इस संवाद के विषय में अनेक अनेक प्रकार की तात्पर्य दिया है, वक्तव्य दिया है, उपदेश दिया है, इसको सीखने का, समझने का, ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं। इतना अद्भुत संवाद है तभी तो, एंड वही आज तक भी चले आ रहे हैं, फिर आगे पता नहीं कितने और सालों तक इस प्रकार इस संवाद की चर्चा होता ही रहेगा, है ना? बिकॉज दीज एक्सचेंजेस कैरी सो मच ऑफ मीनिंग एंड एसेंस एंड डेप्थ। इतना इतना कुछ अर्थ है, इतना कुछ मीनिंगफुल है सारे बातें, कि आज तक भी सभी लोग इन्हीं के विषय में मनन ध्यान सुनवंती गायंती गृणंती साधवा। सुनवंती मतलब सुनते हैं, सुनवंती गायंती दे सिंग गाते हैं।
आपस में चर्चा भी करते हैं, कौन सारे लोग, बाकी सभी क्रिकेट के विषय में पॉलिटिक्स विषय में चर्चा करते हैं, बट साधु व्हाट डज ही डू, ही ऑलवेज डिस्कसेस अबाउट कृष्णास वर्ड्स एंड कृष्णास एक्टिविटीज, है ना, दे डिस्कस अबाउट कृष्णास वर्ड्स एंड कृष्णास एक्टिविटीज, एंड दिस इज यही पहचान है साधुओं का, कथयन्तश्च माम नित्यम, नित्यम हमेशा वो क्या करते हैं, कथयन्तश्च आपस में मेरी कथा का चर्चा करते हैं। भगवान कृष्ण कथा दो प्रकार की होता है, कृष्ण कथा कृष्ण कथा दो प्रकार की है, एक है कृष्ण का वचन और दूसरा कृष्ण का कार्य। कृष्ण के कारण मतलब एक तो कृष्ण क्या कहते हैं और दूसरा कृष्ण क्या करते हैं, तो ये दो प्रकार की है कृष्ण कथा। एंड इस प्रकार कृष्ण कथा की निरंतर चर्चा करना ही भक्तों का अपना वही एंटरटेनमेंट उनके लिए, तो बाकी सभी लोगों के लिए टीवी मोबाइल ये वो इसकी जरूरत पड़ता है अपने एंटरटेनमेंट के लिए, बट भक्तों का क्या एंटरटेनमेंट है, भगवान कह रहे कतेम तस्य माम नित्यम, वो हमेशा चर्चा करते रहते भगवान हमेशा, उनके लिए ही एंटरटेनमेंट। बाकी लोगों के लिए उनको एक एक्सटर्नल डिवाइस चाहिए, मोबाइल नहीं तो टीवी लैपटॉप या कुछ ना कुछ चाहिए उनको एंटरटेन होना है, तो भक्तों के पास तो रेडीमेड है, मुंह है, मुंह से कहते रहते हैं नहीं तो कानों से सुनते रहेंगे, तो इस प्रकार से उनके एंटरटेनमेंट हमेशा चालू है। एंड पता नहीं है आप लोगों का भी कभी कुछ अनुभव रहा होगा, जब कोई ऐसा मूवी हम लोग देखते हैं सही में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो ये भगवद्गीता का संदेश भी ऐसे ही एक मूवी है या ऐसे ही एक डिस्कशन है जिसकी डायलॉग सुनकर संजय की रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। कितना महत्वपूर्ण है कि क्योंकि स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मनाभ, स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही इस ज्ञान को कहे है, भगवद्गीता की यही स्पेशलिटी, बाकी कई सारे अन्य ग्रंथों में तो कोई ना कोई लिखते हैं उसे, कोई ना कोई लिखते हैं ज्ञान की बातें, बट यहाँ पर भगवान स्वयं अपने मुंह से कहा है इस ज्ञान को, इसलिए भगवद्गीता बहुत बहुत विशेष ग्रंथ। नेक्स्ट, व्यास प्रसादा श्रुतवान ये तत्म अहम परम योगम योगेश्वरा कृष्णा साक्षात कथयत स्वयं। व्यास की कृपा से मैंने ये परम रूहा बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी है। व्यास प्रसादात, व्यास देव की कृपा से मुझे इस प्रकार के संवाद सुनने की मौका मिल पाया, एतद् गुह्यम् अहम् परम, इस प्रकार की जो गुह्य संवाद है ये मुझे सुनने के लिए क्यों मिला, व्यासदेव की कृपा से, व्यासदेव की कृपा से कैसे, क्योंकि व्यासदेव की कृपा से संजय को एक ऐसा विद्या प्राप्त हुआ है जिससे वे कहीं पर बैठकर भी बहुत दूर स्थान में होता हुआ दृश्य को देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, जैसा कि
मेरे शब्दों को और मेरा चित्र को आप सभी लोग देख पाए, मेरे चित्र को और मेरे शब्दों को आप देख पा रहे और सुन पा रहे हैं, उसी प्रकार से उस समय संजय को उस प्रकार की सामर्थ्य दिया गया था बिना इंटरनेट का। वो जहां पर भी वो कैमरा लगाए, जहां पर भी चाहे वहां पर ऑटोमेटिकली कैमरा लग जाएगी और उनको दिख भी जाता है क्या चल रहे हैं और उनको सुनाई भी देते हैं कि क्या चल रहा है। ये पहले जमाने की दूरदर्शन, ये फर्स्ट शायद संजय से शुरुआत हुई। तो उनको सारे कुछ दिख रहे थे, तो इसलिए संजय को इस प्रकार की विद्या प्राप्त हुआ है। तो उसकी वजह से इसलिए यही वही बात संजय स्मरण करते हुए बता रहे हैं कि व्यास प्रसादा, व्यास देव कृपा से ही मुझे इस प्रकार की संवाद सुनने के मौका मिल पाया। ये संवाद दो अद्भुत महात्माओं के बीच में चल रहा था, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, दोनों के बीच में चल रहा। सेवेंटी सिक्स राजन संस्मृत्य संस्मृत्या हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। में कुछ अच्छा दृश्य होता है या अच्छे बातें होता है जब हम सुनते हैं, ये बारंबार हमें स्मरण आता है। मीन स्पेशली दोज वर्ड्स विच हैव पियर्स्ड आवर हार्ट, जो शब्द जो सीधा हमारे हृदय में जा चुका है, वो उन शब्दों को हमें अलग से स्मरण करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्मृति में रखने की जरूरत नहीं पड़ता, हमें अपने स्मृति पटल में वो हमेशा रह जाते, बिकॉज दे आर नॉट जस्ट इन द माइंड बट दे आर इन द हार्ट, अपने हृदय में पहुंच चुका है। इसलिए जो बहुत ध्यान पूर्वक अपने भावनाओं को भी जोड़कर जब सुनते हैं ना, देन फिर उन्हें जो कही गई बातें उनको अलग से स्मरण करने की जरूरत नहीं पड़ता, रादर ऑल ऑफ दैट इज एक्चुअली एब्जॉर्ब्ड इन, जिन बातों का बिल्कुल हृदय खोल कर सुनते हैं। इसलिए जब सुनते वक्त इट इज नॉट सफिशियंट टू बी एक्सटर्नली अटेंटिव, इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट टू हियर विद एन ओपन हार्ट, ओपन हार्ट उस प्रकार खुला हुआ हृदय के साथ जो व्यक्ति सुनता है, देन द वर्ड्स डायरेक्टली एंटर इन टू वन्स हार्ट। जब बातें हृदय में चले जाती है ना, देन वो आप भूल ही नहीं, भूल नहीं। आप देख लेना कि जैसा कि मैं अभी अभी जैसे मैंने बताया था, कभी कोई हमें बहुत जोर से डांट देते हैं, बहुत जोर से डांट देते हैं, या किसी के साथ झगड़ा हुआ, किसी ने गाली दिया, वो बातें हमें स्मरण रह जाता है, स्मरण रह जाता, हम भूल नहीं पाते। क्यों हम भूल नहीं पाते? बिकॉज दे हैव एंटर्ड आर हार्ट्स, वो हमारा हृदय में चले गई ये बातें। जो बातें हृदय में चले जाता है, बिकॉज वो तो फोर्सफुली एंटर करती है, तो हृदय में चले जाती बातें, देन वो बातें भूल नहीं पाती, इतना आसानी से भूल नहीं पाती। आप सोचिए कि हम
गाली सुनते वक्त वगैरह तो हम तो हृदय खोल कर सुन रहे हैं, बट गीता सुनते वक्त तो बंद करके सुन रहे थे। तो इसलिए गीता सुनते वक्त हमें अपना हृदय भी खोल कर सुन। व्हाट इट मीन्स टू हियर विद ओपन, कैसे खोलेंगे बताइए। कैसे खोल के रखें? खोलने का मतलब ये हुआ कि ही शुड ऑल्सो नॉट ऑरली, ही शुड नॉट सिंपली बी ऑरली कनेक्टेड, बट ही शुड ऑल्सो बी इमोशनली कनेक्टेड विद द मैसेज एंड द स्पीच। उनका केवल एक ओरल कनेक्शन ही नहीं है, बल्कि उनका एक भावनात्मक कनेक्शन भी होना होगा संदेश से। जब उस प्रकार के कनेक्शन रहता है, तब फिर व्यक्ति को ये बातें उनके हृदय तक पहुंचती है, हृदय में चले जाते सारे। तो इसलिए भावनाओं को जोड़कर सुनना। एंड जब ऐसा सुनते हैं, देन फिर देन जो एक्सपीरियंस संजोग यहाँ पर हो रहे हैं ना, संस्मृत्य संस्मृत्या, बारंबार वो स्मरण आने लगता है, बारंबार स्मरण, बार बार सोचते हैं, वही डायलॉग हमारा मन में चल रहा है। जैसे कई बार कभी कुछ अच्छे मूवी देखने के बाद हम बाहर निकलते हैं, फिर भी वो मूवी इंटरनली चलता रहता है, उसकी डायलॉग चलता रहता है, उसकी पिक्चर चलता रहता है, कुछ चलता रहता है, जो स्पेशली जो बिल्कुल हिटिंग इमोशनल जो सीन्स है, जो आपको बिल्कुल हिट करी है, वो सीन चलता रहता है दिमाग, हम पूरा बाहर नहीं आ पाते। उसी प्रकार से गीत, मतलब यहाँ पर संजय को भी वैसे ही फील, वो गीता की प्रवचन वगैरह समाप्त हो गया, बट उनकी मतलब इतने वो इन्फ्लुएंस्ड हैं भगवत्ता के संदेश से कि उनको बारंबार स्मरण आ रही है। मतलब वो प्रयास तो नहीं कर रहे, बट फिर भी बारंबार बारंबार सिर्फ घूम रहे यही बात, मुहु रिपीटेडली कृष्यामि। एंड फिर इस प्रकार से जब भी उनको स्मरण आ रहे, उनको बहुत अद्भुत लग रहा था और बहुत आनंद हो रहा था। तच्च संस्रुत्य संस्रुत्या रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। एंड केवल उस संदेश का ही, उस डायलॉग्स को ही संजय याद नहीं कर रहे थे, हीरो को भी याद कर रहे थे, कृष्ण कृष्ण को भी याद कर रहे थे। आई रिमेम्बर द वंडरफुल फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण रूप का भी स्मरण करने हैं। आई एम स्टक विद वंडर मोर एंड मोर, एंड जब भी मुझे भगवान श्री कृष्ण के रूप की ध्यान आ रहा है, तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हो जा रहा हूँ एंड उसकी बारंबार आनंद मिलेगा। सो मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं संजय के वचनों में कि हाउ मच ओवर जॉयड ही इज, कितने ओवर जॉयड है अर्जुन संजय इस संदेश को सुनने में। अगर आपको भी इस प्रकार की गीता के संदेश सुनकर अगर ऐसा ओवर जॉय फील हो रहे हैं, देन फिर सही पर सही से हम सुन पा रहे। अगर उदास लग रहे हैं, फिर लगता है कि अरे ये प्रवचन पिछले 1.5 साल से चल रही है, कब खत्म होगा, खत्म होंगे तो खींचे जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा हुआ कि हम आज खत्म कर दिया थोड़ी सी। अगर ये अनुमति आ रही
डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा तो, अगर ये वाला अनुभूति तो। ठीक है लास्ट, यत्र योगेश्वरो कृष्णा यत्र पार्थो धनुत्तरः तत्र श्री विजयो भूत ध्रुवानि धर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो यत्र योगेश्वर कृष्णा, जहां पर भगवान श्री कृष्ण हैं, यत्र पार्थो धनुत्तरः, जहां पर अर्जुन जैसा भक्त जहां पर कृष्ण है और जहां पर अर्जुन जैसा भक्त है, तत्र श्री ही, वहां पर निश्चित रूप से क्या क्या होंगे, तत्र श्री, श्री मतलब लक्ष्मी, अपुलंस ऐश्वर्य, श्री देवी कहते हैं लक्ष्मी देवी, श्री देवी लक्ष्मी देवी, अपुलंस ऐश्वर्य, विजय विजय प्राप्त होगा। तत्र श्री विजय विभूति, विभूति मतलब अत्यधिक शक्ति, अत्यधिक शक्ति, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर, ध्रुवा नीति ही, नीति ही मतलब मोरालिटी, न्याय, ये चारों चीज वहां पर स्थापित हो जाएंगे जहां पर भगवान श्री कृष्ण हैं और अर्जुन जैसा भक्ति, वहां पर ये चारों चीज मिलेगी, वहां पर ऐश्वर्य भी मिलेगा, वहां पर विजय भी प्राप्त होगा, उसी पक्ष को विजय भी प्राप्त होगा और अत्यधिक शक्ति भी होगा, एंड फिर फाइनली वहां पर ही न्याय भी होगा। तो ये चारों चीज वहां पर एस्टैब्लिश हो जाएंगे जहां पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जैसा भक्त है। बट अभी प्रश्न है कि कृष्ण तो वैसे तो सर्वत्र है, फिर सर्वत्र है तो फिर तो ये स्टेटमेंट कैसे समझेंगे ना, फिर अगर भगवान कृष्ण सर्वत्र है देन फिर चारों चीज सर्वत्र होने चाहिए। बट यहाँ पर यही समझने वाले पॉइंट ये है कि अर्जुन जैसा भक्त, भगवान तो है सर्वत्र, पर समस्या है कि अर्जुन जैसा भक्त सर्वत्र नहीं, इसलिए अर्जुन जैसा भक्त जहां पर है वहां पर भगवान भी खुद ही पहुंच जाएंगे, भगवान खुद वहां पर पहुंच जाएंगे जहां पर अर्जुन जैसा भक्त है, एंड फिर जहां पर कृष्ण पहुंच गया फिर अर्जुन है ही, देन फिर ये चारों चीज मिल जाएंगे, श्री विजया भूति भूति नीति, चारों चीज मिल जाएंगे उस प्रकार से। सो दैट इज वाई जहां पर भक्त है वहां पर ये चार चीजें मिलेंगी। इसलिए हमें क्या करना होगा, इधर अर्जुन जैसा भक्त बन जाना होगा, नहीं तो अर्जुन जैसे भक्तों को पकड़ना होगा, उनके पक्ष में चले जाना, इधर अर्जुन जैसा बनना होगा, नहीं तो अर्जुन जैसा भक्तों के पक्ष में चले जाना होगा, ताकि हमारे पास श्री विजया विभूति और नीति चारों चीजें, उस प्रकार से। बिकॉज भगवान तो कहते हैं ना कि नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, योगिनाम हृदयेषु वा,
योगियों के हृदय में भी नहीं हूँ। फिर कहा है भगवान, यत्र गायन्ति मद भक्तः तत्र तिष्ठामि नारद, जहां पर मेरे भक्त प्रेम से मेरी भक्ति सेवा कीर्तन करते हैं वहीं पर ही मैं हूँ, वहीं पर भगवान ना वैकुंठ में मिलने वाले हैं ना योगियों की हृदय में मिलने वाले हैं, भगवान की एक ही निवास स्थान है जहां पर भगवान की कीर्तन होता है, वहां पर भगवान मिलेंगे। एंड जहां पर भक्त है वहां पर कीर्तन है, जहां पर कीर्तन है वहां भगवान है, तो वहीं पर ही ये चारों चीज मिलेंगी। इसलिए हमें उस प्रकार से अर्जुन जैसे भक्तों के पक्ष में जाना, ठीक है। तो इस इन शब्दों के साथ हमारा भगवद्गीता के 18वां अध्याय यहाँ समाप्त हो जाता है। एंड अभी अगला फिर पुनः हम भगवद्गीता पहला श्लोका से, पहला अध्याय के पहला श्लोका से पूर्ण शुरू करेंगे, बट ये गीता कोर्स के बाद, जो हमारा 22 तारीख से जो गीता कोर्स शुरू होगा, गीता कोर्स के उपरांत जो भी नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा, देन नेक्स्ट ट्यूसडे से ही हम ये भगवद गीता की फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट श्लोका से हम पुनः भगवद गीता शुरू चर्चा करना शुरू करेंगे डिटेल। ओके, जितने भी लोगों ने ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास किया है सभी लोगों को, और बाकी लोगों को भीड़ बढ़ाने के लिए उनको भी धन्यवाद, जो भीड़ बढ़ाने आते हैं उनको भी धन्यवाद, और ध्यान जो ध्यान सुन रहे हैं उनको भी धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। आप सभी लोग थे तभी सारा चर्चा कर सके, और तो सर गीता कभी समाप्त तो नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, अनलिमिटेड, जितने बार भी पढ़ो जितना भी पढ़ो जितना भी समझो बहुत कुछ रह ही जाता है समझने सीखने के लिए। तो वैसा तो गीता से प्रार्थना करेंगे कि हमारे ऊपर कृपा करें जिससे हम गीता के संदेश को हम समझने में सक्षम बने, इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की सामर्थ्य भगवान करें। हरे कृष्ण। प्रश्न यस क्विक क्वेश्चंस। प्रभु आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, अपने को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, लगभग प्रणाम हाँ हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन है, मतलब जैसे आपने बताया कि भक्ति भावनात्मक चीज है, ठीक है प्रभु जी। मतलब हम सेवा करके, वैष्णव सेवा करके भी हम भक्ति अपनी जाहिर कर सकते हैं, तो मुझे जानना है कि भक्ति में दीक्षा का कितनी महत्वपूर्ण है। क्या हम केवल गुरु आश्रय लेकर और वैष्णव सेवा करके भक्ति अपनी संपूर्ण कर सकते हैं, या दीक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण जरूरी है? दीक्षा का क्या महत्व है सारे चीज जी। में? महत्व तो है ही, जैसा हमने कहा ना, अर्जुन जैसे भक्तों के पक्ष में जाना होगा करके। दीक्षा गुरु तो वैसे ही तो भक्त है जिनके पक्ष में हम जाने के प्रयास कर रहे हैं, तो अर्जुन के पक्ष में तो जाना ही होगा, क्योंकि हम तो अर्जुन नहीं बन पा रहे, तो फिर जो अर्जुन जैसे हैं फिर उनके पक्ष में चले जाए, तो दीक्षा लेने का यही मतलब होता है, उनके पक्ष में जा रहे हैं और उनकी तरह कार्य करने का हम प्रयास कर रहे हैं, उनके निर्देशन में कार्य कर रहे हैं। प्रभु जी, मतलब दीक्षा से हम जो हमारी जो एक्टिविटीज होती है वो हम बाउंड हो जाएंगे, मतलब
मतलब क्या हम उसके बिना भी हम अपनी एक्टिविटीज में बाउंड कि हम वैष्णव सेवा में करेंगे, गुरु आश्रय में रहेंगे, गुरु की बात भी मानेंगे बिना दीक्षा के, और फोर प्रिंसिपल्स वगैरह भी हम फॉलो कर सकते हैं, क्या दीक्षा का क्या मतलब महत्व रहेगा? देखिए, दीक्षा के यही महत्व है। क्या देखना, हम असलियत में दीक्षा होता भी क्या है? दीक्षा का मतलब यही है कि टू एक्सेप्ट डिवोशनल प्रैक्टिसेस एज पर दी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ गुरु के द्वारा कही गई निर्देशों के अनुसार पालन करना, यही दीक्षा होता है असलियत। एंड अगर किसी ने वैसा फॉर्मेलिटी के रूप में दीक्षा ले तो लिया है, बट गुरु की निर्देशन वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, गुरु की कहने के अनुसार वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब एक्चुअली में उनको दीक्षा नहीं हुई, असल में दीक्षा नहीं हुई, वो केवल फॉर्मेलिटी में हुआ बट स्पिरिट में नहीं हुआ। जैसा उदाहरण के लिए, बिना शादी का भी एक स्त्री और पुरुष के संग में बच्चे पैदा हो सकते हैं, शादी करने कोई जरूरत ही नहीं। शादी से क्या होता है, वो लीगलाइज हो जाता, वो लीगलाइज हो जाते, हालांकि बच्चे उसके बिना भी तो पैदा हो जाएंगे, बट शादी करने से वो लीगल हो जाते हैं। एंड दूसरा दूसरा अगर किसी ने शादी किया बट वो पति पत्नी कभी साथ ही नहीं आए, तो क्या बच्चे पैदा होंगे? फायदा नहीं होंगे। नहीं होगा। तो उस प्रकार से ही दीक्षा को भी समझ सकते हैं। अगर किसी ने उस स्पिरिट को समझना होगा। एंड तो इसलिए दीक्षा ये जरूरी है, बट वो केवल फॉर्मल वाला दीक्षा ही नहीं बल्कि इन स्पिरिट वाला दीक्षा है। अगर फॉर्मल वाला दीक्षा है तो दूसरी एग्जाम्पल की तरह है, शादी तो हो गया बट कभी साथ नहीं रहे, देन कभी बच्चे ही नहीं, बच्चे नहीं, तो उस प्रकार से हो जाएगी। इसलिए व्हाट इज से कि दीक्षा लेनी भी चाहिए, एंड स्पिरिट में फॉर्मली भी एंड स्पिरिट में भी, है ना? दूसरा ये भी कह सकते हैं प्रभु जी के गुरु शिष्य परंपरा को आगे भी बढ़ाना है तो दीक्षा जरूरी भी है। हाँ, एंड कनेक्शन ही नहीं होगा तो गुरु शिष्य परंपरा के साथ तो कैसे बढ़ेगी आप? हाँ कैसे पड़ेगी। गुड, ठीक है, थैंक यू माता जी फॉर योर हरे क्वेश्चन। एक कृष्ण। भी प्रभु जी आपको मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। परफेक्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमने डिस्कस किया कि अटैचमेंट मोह अपोजिट होता है नॉलेज के। विद दैट प्रभु जी, हम डाउट को या संदेह को किस तरह से डिफाइन करेंगे, उसको कैसे समझेंगे? मुझे समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हैं। मोह को प्रभु जी, इफ अटैचमेंट इज अपोज नॉलेज, देन डाउट और संदेह, हाउ कैन वी डिफाइन दैट? हाउ कैन वी अंडरस्टैंड? हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट? डाउट, जी डाउट इट इज नॉट नेसेसरली एब्सेंस ऑफ नॉलेज। डाउट इज नॉट नेसेसरली एब्सेंस ऑफ नॉलेज, बट डाउट इज एब्सेंस ऑफ फेथ इन नॉलेज। एब्सेंस ऑफ फेथ इन नॉलेज, ये ज्ञान का कमी नहीं है,
ज्ञान है बट ज्ञान के ऊपर श्रद्धा नहीं है, डाउट कर रहे हैं, उनको डाउट आता है कि प्रभु जी सही में ये जप वप ये काम करता है क्या, ये चैंटिंग मतलब काम करेगा। तो ही नोज अबाउट द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग बट ही डाउट्स द इफेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग, इज डाउटिंग इट। तो नॉलेज है बट नॉलेज के ऊपर श्रद्धा की कमी है, श्रद्धा की वो कमी है। ये जो मोह है उनके पास नॉलेज ही उल्टा वाला, उल्टा वाला नॉलेज है। उनको ये पता ही नहीं कि वो तो आत्मा है, घर भगवान से उसको ठीक है। थैंक यू ए के पी प्रभु जी आपके प्रश्न के लिए। अच्छी बात माता जी, आप अपने को अनम्यूट कीजिए प्रश्न पूछने के लिए। आवाज गूंज रही है नीरज को, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? तो आपकी आवाज गूंज रही है, ये साक्षी मत। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि गीता की नॉलेज मतलब इस ज्ञान को अपने समझना, समझने की कोशिश करना, इसके मीनिंग को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, ये सब एक एस्पेक्ट है कि हम इस चीज को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एक एस्पेक्ट ये आता है जब ह्यूमन लाइफ में कोई भी ट्रेजेडी आती है, जब हमें उस ज्ञान की, उस शक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ताकि हम लोग गिरे नहीं, पतन नहीं हो। तो वो जो डेलिकेट मोमेंट होता है जब आपकी बुद्धि आपके मन के ऊपर हावी होनी शुरू हो जाती है, माइंड प्लेज इट्स ओन गेम्स, राइट? दिमाग के अपने ट्रिक्स होते हैं आपको लर करने के या आपको डेविएट करने के। इसका एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम में भी देखा गया है। जब अर्जुन को पता चला कि भगवान अंतर्ध्यान हो गए हैं तो उन्हें याद दिलाया गया कि उन्होंने गीता खुद सुनी थी भगवान से। मतलब ही वॉज सो ओवरवेल्म्ड बाय दिस इंसिडेंट कि भगवान जा चुके हैं, उन्हें याद दिलाया गया कि ही वॉज पर्सनली देयर टू लिसन गीता। तो जो भगवान के निजी पार्षद हैं, पांडव जो भगवान के साथ रहते थे, जिन्होंने भगवान को देखा है, वो इस चीज में डेविएट हो गए। तो हमारी तो कोई पोजिशन ही नहीं है। तो जब हमें इस ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी एज अ ह्यूमन बींग कि मुझे अब उसको अप्लाई करना है, ठीक है, श्रवणम, कीर्तन, जप करना, सेवा करना, ये सब एक प्रोसेस है जिसे हम फॉलो करते हैं, कोशिश करते हैं कि फॉलो करें। लेकिन जब इतने डीप एसोसिएटेड लोगों को ये फेस करना पड़ रहा है तो हम लोग कैसे इस चीज को टैकल करेंगे? बिकॉज लाइफ में तो ये सब होता ही रहता है, आप इंसिडेंट्स फेस करते ही रहते हैं। देखिए ये मेरा क्वेश्चन है प्रभु। देखिए अर्जुना बीइंग ओवरवेल्म्ड एट द सॉरो ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कैन नॉट बी कंपेयर्ड ऑन टू द सॉरो दैट वी फील इन आवर रेगुलर लाइफ। जिस प्रकार की दुख अर्जुन को मिला है भगवान की अप्रकट होने पे, देन वो दिव्य दुख है, बिकॉज भगवान के अप्रकट होने पे उस प्रकार के दुख होना ही चाहिए, नहीं तो क्या ही प्रेम है, क्या ही प्रेम है। वैसे दुख होना चाहिए ही, अर्जुन सही भक्त का ही लक्षण उन्होंने प्रकट करा है वहां पर दुखी होकर, होता है एंड वही प्रेम है ना, प्रेम पहली बात तो ये। एंड दूसरा यस डेफिनेटली यस कि जब इस प्रकार की विषम परिस्थितियां व्यक्ति का जीवन में आता है तब इस प्रकार की ज्ञान को लिटरल सेंस में अप्लाई कर पाना सही में मुश्किल पड़ता है, सही में मुश्किल पड़ता है। And when every attempt sees failure, that is when Krishna
APS in different form supporting this. जब हम हमारे खुद की प्रयास जब फेल होता रहता है तभी भगवान की शक्ति के ऊपर आश्रय बढ़ता है, शक्ति के ऊपर आश्रय बढ़ता है. विद दैट शेयर हेल्पलेसनेस वी अप्रोच गॉड, भगवान अभी हमसे कुछ नहीं हो पाता. दैट हेल्पलेस कॉल आउट फॉर द लॉर्ड इज व्हाट would be the ultimate shelter, and that would serve as the ultimate rescuer. जैसा कि द्रौपदी की केस में, द्रौपदी की केस में she was utterly helpless. पूर्ण रूप से निसहाय थी, पतियों से मांग रहे थे, वो भी आगे नहीं आया. धृतराष्ट्र आगे नहीं आया बचाने, भीष्मदेव आगे नहीं आया, द्रोणाचार्य आगे नहीं आया. बेचारी एकमात्र अबला स्त्री रह गई पूरा सभा में, और भरी सभा में उनकी वस्त्रापन किया जा रहा था. एंड वो भी दुशासन जैसा एक शक्तिशाली व्यक्ति के द्वारा जिनके अंदर 10,000 हाथियों का बल है. जब वे अत्यंत निसहाय भाव से आतुरित होकर जब भगवान से भगवान को पुकारने लगी, देन भगवान प्रकट हो ही गया. इनडेफिनेटली जब इस प्रकार की जब विषम परिस्थिति आते हैं, देन बड़े से पंडित पंडित लोग भी दे गेट बिविल्डर्ड, एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी नीड द शेल्टर ऑफ द स्पिरिचुअल मिनिस्टर. एग्जैक्टली What Arjuna did in Gita. अर्जुन ने वही कहा ना, अर्जुन का भी तो, अर्जुन के पास भी तो ज्ञान की थोड़ी कमी थी, खूब ज्ञान था, बट फिर भी जब उनके जीवन में ऐसा विषम परिस्थिति आ गया, वो खुद भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, उनकी आंखों का श्वास आ रहा था, शरीर कंपन हो रहा था, गदगद हो गया था, तो निश्चय नहीं कर पा रहे मुझे क्या करनी क्या नहीं करनी. वो कंप्लीटली बिविल्डर्ड स्टेट था, उनको धर्म क्या है समझ नहीं आ रहा था. तब उन्होंने सबसे अच्छी काम जो उसने किया अर्जुन ने, यही है कि भगवान को समर्पित कर दिया, गुरु को समर्पित कर दिया. एंड आप जो कुछ भी कहेंगे मैं वही करूंगा करके उसी समय उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं तो समझ नहीं पा. सो दिस इज व्हेन And these moments offer as an opportunity to surrender completely to Krishna. तब तक हम कुछ reservations रखते हैं, तब तक हम कुछ कुछ reservations रखते हैं, थोड़ा समर्पित कर दिया, थोड़ा बचा लिया, थोड़ा समर्पित कर दिया, थोड़ा तुम्हारे लिए, थोड़ा मेरे लिए, थोड़ा तुम्हारे लिए, बाट बंटवारा चल रहा. बट जब ऐसा परिस्थिति आता है पूरा ही कर देते हैं भगवान, पूरा समर्पित कर देते हैं. And that is what Arjuna did, and he was benefited. आप पूरा गीता में वही देख सकते हैं कि how Krishna helped Arjuna in that moment of crisis. उस critical point पे भगवान ने कैसे मदद की अर्जुन का, यही बड़ा उदाहरण है. हम अपना ज्ञान से अपने बल पे अपने आप को संभाल नहीं पाते उस समय, तब गुरु कृष्ण का ही मदद चाहिए, उस प्रकार से समर्पित करना होता है उस समय. एंड गुरु की आशा लेकर फिर गुरु के कहने के अनुसार करना, वॉट एवर यू से दैट विल बी योर विश इज माई कमांड, वैसे सर सोच कर चलना. ठीक है, थैंक यू श्री माता जी. लास्ट क्वेश्चन प्रभुजी फ्रॉम पूजा माता जी. पूजा करके माता जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनम्यूट कीजिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझे प्रणाम करो, मेरा मेरा कीर्तन करो, मुझे प्रणाम करो, ऐसे चार चीजें बोलते हैं. उसके अंदर मुझे नमस्कार करो, उसके अंदर ये कहते हैं कि मेरा भक्त बनो,
मेरे भक्त बनने से जैसे हर एक में क्रिया है, जैसे मुझे नमस्कार करो या कुछ, मतलब कोई क्रिया है, मेरे भक्त बनो के अंदर हमें क्या करना चाहिए कि जिससे वो जो कह रहे हैं वो चौथी चीज पूर्ण हो जाए। हाँ वेरी गुड। मेरा भक्त बनो मतलब करना क्या होगा? जैसे बाकी चीजें तो मेरे विषय में चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मेरे से नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो मतलब क्या करना? मन भक्त है, मेरे भक्त बनो यही मतलब है। भगवान की भक्ति करना और भगवान की भक्त मतलब भगवान की जो भक्ति करता है वही भक्त है। तो भगवान की भक्ति क्या होता है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवविधा भक्ति है। ये नव अंग है भक्ति का, इन नव अंगों का अभ्यास करना ही भक्ति। भगवान के विषय में सुनना, भगवान के कीर्तन करना, भगवान के स्मरण करना, भगवान की और भक्तों का पाद सेवन करना, और तो उस प्रकार से ये सारे चीजें है ना। पाद सेवन चरम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदन, ये सारे इन चीजों का अभ्यास करना ही भक्ति है। एंड वो करने वाला भक्त है, मत भक्त करने कहने का मतलब यही, इन्हीं नौ चीजों का हमें करना। ठीक है, थैंक यू पूजा करके माता जी। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे फॉर टेकिंग ऑफ द सेशन विद हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा।